हकीम साहब, आज एक सवाल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जो कॉल आई है आज के प्रोग्राम में, बिहार से वो कॉल थी जहां पे रॉ मटेरियल जो है उनको नकली मिल रहा है। बहुत चिंता का विषय ये इस वक्त हो रहा है कि रॉ मटेरियल जितने भी आप यहाँ पे बताते हैं और दर्शकों का एक विश्वास आपके ऊपर बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और मार्केट में रॉ मटेरियल नकली मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत चिंतित हो गया इस बात से कि जी मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूँ कि नकली मिलने लगा, और मैं बहुत जल्दी एक फ़ोन नंबर उन लोगों को, दुकानदारों को, उनके लिए एक नंबर दूंगा जो टेलीविज़न पर चलेगा या स्लैब में चलेगा, कि जो लोग असली रॉ मटेरियल मंगाना चाहते हैं वो दुकानदार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि पब्लिक को नकली चीज़ ना मिले। ये एक गुनाह, एक पाप है कि आप उसके रोग की कोई चीज़ नहीं दे रहे, बल्कि अपने फ़ायदे की कोई चीज़ उसको दे रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नकली दे रहे हैं, कुछ जानबूझकर दे रहे हैं, कुछ अनजाने में दे रहे हैं। जानबूझकर किया हुआ गुनाह माफ़ नहीं होगा, अनजाने में दिया तो शायद माफ़ हो जाए। तो दुकानदार को दरअसल पता भी नहीं है कि असली कौन या असली रॉ मटेरियल है क्या। वो चाहे कितने भी सालों से कच्ची दवाओं का कारोबार करते हैं, तो मैं एक दो दिन में ही ऐसा कुछ बंदोबस्त करूँगा कि दुकानदारों को फ्रेंचाइजी टाइप कुछ दे दिया जाए, ताकि लोगों को आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाए और बुराई से दुकानदार भी बच सके। हाँ, नेक्स्ट कॉलर है मंदिरा जी, स्वागत है आपका। कहाँ से हाँ, बात मैं कर बोल रही रही हैं? सूरत से, मंजिला बाइन। मेरी उम्र है 74 बराबर। मेरे हाँ को हाँ पेरेलिसिस हो गया था बराबर। अभी हाँ अच्छा है, मैं चलती फिरती हूँ, अपना काम भी अपने आप से करती हूँ बराबर। अच्छा, अभी क्या है, मेरे को पेट के अंगुली है ना, अंगूठ चार अंगुली, अंगूठा नहीं, चार अंगुली में मेरे को खाली चरी जैसी रहती है बराबर। और मेरे को अब बीपी है, शुगर भी है, अभी 237 आई थी परसों मापाई ने तो। हाँ और मुंह मेरा खट्टा खट्टा रहता है। अभी 2-4 दिन से क्या हुआ है, बोची है ना पीछे गमर के ऊपर, बोची में कान के पीछे मेरे को दर्द हो रहा है। अच्छा, ठीक। सुलेमान साहब, मैं 2-2.5 महीने से आपकी राह देख रही हूँ, अभी तो मेरे को नुस्खा बताइए, कुछ करिए। अच्छा, सुनिए मेरी बात, सुनिए मंदिरा जी, आपको पैरालाइस है, शुगर है, मुंह खट्टा रहता है, उंगलियों में क्या परेशानी बताई है? बीपीए फॉरन तौर भी है, ठीक है, ठीक है। बीपी भी जी जी है। ठीक है ठीक है ठीक है। जी उम्र बता दी इन्होंने। जी 70+। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ऐसे लोग हमसे जुड़ेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और देखिए, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या दिल की कोई परेशानी, इसके लिए जैतून का सिरका लिया जाए 3 चम्मच दिन में, 3 चम्मच रात में, खाने के बाद पानी में मिला के छोटे चाय के चम्मच जैतून का सिरका। तो ये तीनों पर यकसा काम करता है, एक सा काम करता है। और वो दवाई भी लें जो आपकी चल रही है, लेकिन धीरे धीरे ये सब कंट्रोल करता जाएगा, और वो दवाई भी ना छोड़ें। अब रहा दर्द, इससे आपका जो खट्टापन है वो भी ठीक होगा ज़बान का। डायबिटीज़ काफ़ी बढ़ी हुई है, ये फ़ौरन शुरू कर दें। और दर्द है, उसके लिए गोंद स्याह आता है, काला गोंद आता है, जो असली लेना बहुत ज़रूरी है, नकली बहुत मिलता है। जैतून का सिरका भी नकली आ गया मार्केट में, तो असली लें। और आधा आधा ग्राम काला गोंद सुबह और शाम, नाश्ते और खाने के बाद, बगैर दूध, बगैर चर्बी के दूध से या पानी से ले लिया करें, आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी, यूपी से हैं विनोद जी, स्वागत है आपका। हाँ भाई, जी बताइए, आपका सवाल क्या है?
सवाल यही है मैम, एक हमारे घर में 50 साल के बुजुर्ग है, हाँ, तो उनका जो है पेट नहीं साफ जाता है जी। पेट के लिए दो तीन दवाएं बताता हूँ। खाना जब खिलाएं तो सौंफ खिलाया करें उन्हें, अगर बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं दांत नहीं हैं तो सौंफ का पानी, 2 चम्मच सौंफ का पानी उबाल के पिला दिया करें या पाउडर बना के खिला दिया करें हर खाने के बाद, इससे बहुत फ़ायदा होता है पेट को। उनके खाने में अदरक लहसुन और जीरे की तादाद भी बढ़ा दीजिए, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और अरंडी का तेल आता है, इसे कैस्ट्रोल ऑयल कहते हैं, मेडिकल स्टोर पर मिलता है, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पिलाएं, छोटे चाय के चम्मच, और गर्म पानी पिलाएं, अच्छा गर्म पानी, तो उनको इससे फ़ायदा होना मुमकिन है जी। राजस्थान के हनुमानगढ़ से नेक्स्ट कॉलर हैं, स्वागत है आपका। स्वागत है जी, वाले सलाम, बताइए सवाल करिए जी। मेरी मैडम का नहीं, साइड के अंदर दर्द रहता है। कहाँ दर्द रहता है? एक साइड में, एक हाथ में। अच्छा, एक हाथ और, हाँ, और एक साइड में। उनकी उम्र क्या है? उम्र है जी 42 वर्ष। ठीक है। और देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि 40 साल के बाद हमें रोग आने लगते हैं, इसमें से एक ये रोग भी है कि टांगों में, हाथों में दर्द आ गया, फिर कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, फिर शुगर आ जाती है, ये सब रोग आते हैं। अगर हम पहले से एहतियात करें तो ये नहीं आते हैं। देखिए, गौंद स्याह नाम का एक काला गौंद जो बहुत है तो प्रचलित, यहाँ तक के लोगों ने उसको नकली भी बना लिया और देने लगे। असली गौंद स्याह यानी काला गौंद ले लें, नकली बहुत मिलता है, कोई एलवा दे देता है, कोई कुछ दे देता है। ये गौंद सस्ता इलाज भी है, ये आता है क्या नाम है, 15-16 रुपए रोज़ का इलाज है, आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम लें असली, ये आपकी जिम्मेदारी। अगर मिल गया असली 100 ग्राम भी तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है, असली लें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। तो असली ही रॉ मटेरियल लीजिएगा, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में ही दर्शकों हमने ये प्रश्न हकीम साहब से किया था कि शिकायतें बहुत आ रही हैं कि नकली मार्केट में रॉ मटेरियल उपलब्ध हो चुके हैं, जिनसे आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। अगर आपको कहीं से भी कोई भी रॉ मटेरियल मिल जाता है तो एक बार आप क्वेरी कर लीजिए हमारी हेल्पलाइन नंबर पर बात करके दर्शकों, जहाँ पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से, जो आपकी सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर हैं। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। सतपाल जी हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, स्वागत है आपका। मैं पठानकोट से बात कर रहा हूँ। आपका सवाल क्या है? गैस रहती है पैर में जी। गैस रहती है, आपकी उम्र क्या है? ओवर 57 है। ठीक है। अच्छा, देखिए, ये कैस्ट्रोल ऑयल कहते हैं सतपाल जी, हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है, इसको अरंडी का तेल भी कहते हैं, कैस्ट्रोल ऑयल या अरंडी का तेल एक ही चीज़ है। इसका 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद पी लें और 1 गिलास गर्म गर्म पानी या चाय पी लें, और इसी तरह शाम को भी अगर आप लेंगे तो आपको फायदा होना मुमकिन है। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, महेश जी स्वागत है आपका। हेलो 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 जी सर, बताइए सवाल करिए। सवाल ये है कि मेरी मम्मी है, उनके जो पेट में बहुत दर्द रहता है। उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र है 65 एज। और ये दर्द कब से है? दर्द ऑपरेशन कराया था पिछली पहली का, तो उसके कारण दर्द रहता है, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी आता है। ठीक है जी। देखो बेटा, कल भी शायद आपकी मम्मी ने फ़ोन किया था या आपने, यही सेम सवाल था, और मैंने बताया था कि एक आता है
जैतून का नमक, नमक जैतून का हो या रसायन जैतून का हो या नमक जैतून का हो, एक ही बात है, ये रसायन है। अच्छा, बिल्कुल नमक जैसा ही दिखता है लेकिन नमकीन नहीं होता। ये आप खरीद लें असली 100 ग्राम, और ये एक चुटकी में जितना आए एक गिलास पानी मिलाकर दिन में 2 बार पिला दें। खाने से पहले भी पिला सकते हैं, बाद में भी, तो आपकी मम्मी को फायदा होना मुमकिन है। जी, लखनऊ से हैं सुमन, स्वागत है आपका। हाँ जी, एक्चुअली मैम, हाँ? जो हमारा फेस है एक तरफ का, हाँ? तो उसमें जो है वो होती खिंचाव होता रहता है आपके फेस में। फेस में आंख बंद हो जाती है और जो मुंह है एक तरफ का हल्का टेढ़ा हो जाता है। ये कब से दिक्कत है आपको? एक्चुअली मैम मुझे 3 साल हो रहे हैं इसको, जो डॉक्टर को मैं दिखा रही हूँ नीरो डॉक्टर को, हाँ? तो वो बोलते हैं हेमिफेशियल स्पास्म हो गया है। ठीक है, अच्छा देखिए एक नुस्खा आप कोशिश कर लें। एलोवेरा का सिरका आता है, एलोवेरा का सिरका, याद रखें, जूस नहीं, एलोवेरा नहीं, एलोवेरा का सिरका, और ये 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच एक गिलास पानी में मिलाएं, और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा है वो भी मिलाएं इसमें, और रात को एक बार आप रोज़ाना पी के सो जाया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से हैं मोहम्मद इरशाद अली, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम जी से बात करनी थी। जी जी बताइए, मैं हाजिर हूँ। हाँ, मेरी जो वाइफ है हकीम जी, उनके हाथ में कभी झुंझुनाहट होती है, कभी दाहिनी तरफ गर्दन में होती है, कभी शोल्डर में होती है। आज उनकी जो छोटी वाली फिंगर है ना, लिटिल फिंगर बाएं हाथ की, उसमें उनके कल से जो है तो बहुत ज्यादा झुंझुनाहट सी हो रही है। मैं चाहता हूँ आप उनसे बात करके थोड़ा समझाइए क्या है उनको। ठीक है, बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम, जीती रहिए, बताइए। अरे सर, मेरे बहुत पहले मेरी आपसे बात हो चुकी है। अच्छा। तब मेरी प्रॉब्लम ये थी कि दिल और दिमाग आपने कहा था मिल नहीं रहा, इसलिए आपको ये उलझन बर्बाद होती है, तो मुझे उससे बहुत ही रिलीफ हुआ था। अच्छा। और मैं आपको कॉल नहीं कर पाई मतलब फीडबैक देने के लिए। अब मुझे ये प्रॉब्लम है जो फरवरी से है, जब टाइम मुझे प्रॉब्लम है कि मेरे उंगलियों के स्टार्टिंग हुआ था कि चुभन भी होती थी कभी कभी, फिर उसके बाद ये ना कि जो ना झुंझुनाहट रहने लगी, फिर उसके बाद होम्योपैथिक की दवा मैं कर रही थी, और पैरों के तो सोल जो होते हैं वहां से एकदम ठंडा ठंडा सा होने लगा अप्रैल में इसी टाइम, जून के टाइम। और अब ये कंडीशन है कि मेरी लिटिल फिंगर लेफ्ट हैंड की और सेकेंड वाली जो फिंगर है रिंग फिंगर, उसमें है जो मुझे झुंझुनाहट रहने लगी थी, होम्योपैथी की दवा मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, और उससे मुझे कभी लगता है कि फायदा हो रहा है, कभी लगता नहीं हो रहा। अब आज कल से मुझे इतना वो लिटिल फिंगर जैसे मेरे उसमें बेचैनी सी हो गई वहां से लेके रिस्ट तक, और हाथ में हल्का हल्का दर्द कंटिन्यू बना रहता है, और मुझे घुटनों की भी प्रॉब्लम है और जो ना पैरों की मतलब प्रॉब्लम मुझे काफी। ठीक है, अच्छा देखिए, एक मैं इलाज बता रहा हूँ और एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो दोनों करें आप। और देखिए एक्सरसाइज तो ये है कि ये आपने देखा होगा, मैं अक्सर बताता हूँ, ये एक्सरसाइज रोज़ाना 3 मिनट आपको करनी है, एक साथ नहीं कर सकते, तो एक एक मिनट करके 3 बार में पूरे दिन में 3 मिनट करनी है, याद से ही कान इससे मिलाने की कोशिश करें, और एक ये ऐसे देखिए पूरा मोड़ है इसे, ये थोड़ी यहाँ तक आ जाती है और यहीं देखना है, ये भी 3 मिनट, ये तो अभी से शुरू कर दें। और एक आता है गौन स्याह, देखिए साफ सुन लीजिए कि ये नकली बहुत मिलता है, असली ले गौन स्याह, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद, खाना शुरू करें, 5-7 दिन सब्र करें। ये आपके जितने दर्द हैं या बेचैनी है या फिंगर्स में है या तलवों में है, पैरों में है, कमर में है, जहाँ भी दर्द होगा,
ये फिर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। और आपको ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया, जगह जगह नकली मिल रहा है, इसकी जगह हलवा दे देते हैं या डाक का गोंद या कुछ भी दे देते हैं, असली लेना इंतहाई ज़रूरी है। ये 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है, 1 ग्राम खाना है, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम। और 100 ग्राम भी असली मिल गया तो फ़ायदा होना मुमकिन है। जिसको मिल जाता है हमें फीडबैक कॉल आती है कि उनको फ़ायदा हो गया। और ये वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ किया करें आप, और बहुत मेहनत ना करें, कुछ दिन तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।